हेलो स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ। हम 7.2 एक्सरसाइज कल कंप्लीट होगी बेटा हमारी। और जैसे ही एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, अपन एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं बेटा। और इसी तरह से उम्मीद करूंगा कि आप भी अपनी फेयर कॉपी में ऐसे ही वर्क कर रहे होंगे। तो इसमें जो स्टार्ट होगा वो एग्जांपल 4 है। यहाँ से स्टार्ट करता हूँ बेटा। तो देखो, एग्जाम्पल 4 के बारे में बात करूंगा आपसे। बोला गया इन ट्रेंगल एबीसी, एबीसी कोई ट्रेंगल बेटा, फिगर दे रखा है। तो मैं पहले फिगर बनाना, ए बी सी, ये फिगर ही दे रखा है सारा का सारा। बेटा ये फिगर दे रखा है, वापस इसके बारे में समझते हैं। इन ट्रायंगल एबीसी, ये कोई एबीसी ट्रायंगल है बेटा, द बाइसेक्टर एडी ऑफ एंगल ए इज परपेंडिकुलर टू साइड बीसी। जो एडी है वो एंगल ए का बाइसेक्टर है बेटा, मतलब जो एंगल ए है वो इक्वल है इधर से भी और इधर से भी, और वो परपेंडिकुलर है बीसी, यानी ये भी 90 डिग्री का कोण है बीसी के ऊपर बन रहा है। ओके बेटा, शो करके दिखाओ कि ए बी इज इक्वल टू ए सी होगा। तो आपको यहां शो करके दिखाना है, जो ए बी है वो ए सी के बराबर होगा, ए बी ए सी, ठीक बेटा। और ए बी सी जो आइसोस्केलेस ट्रायंगल, ये एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, मतलब ऑब्वियस है दो साइड इक्वल होगी तो आइसोस्केलेस हो ही गई। तो देखो कैसे मैं प्रूव करता हूँ, मैं इस ट्रायंगल में आता हूँ। इन ट्रायंगल एबीडी एंड एसीडी, ठीक बेटा, इस और इस ट्रायंगल में आता हूं, दोनों को कोऑर्डिनेट्स प्रूव कर दो। तो दोनों में देखो एडी जो है वो कॉमन साइड है, एडी जो है वो कॉमन साइड है। ओके बेटा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो एंगल जो बी ए डी है वो इक्वल है सी ए डी। ओके बेटा, ये गिवन है वैसे तो। और एक क्या ऐसी बात है, दोनों में 90-90 का एंगल भी बन रहा है, एंगल ए डी बी इक्वल है एंगल ए डी सी, राइट एंगल। अकॉर्डिंग टू कॉन्ग्रुएंसी तो इसमें एक साइड है, दो एंगल है, ए एस ए, ठीक है बेटा। ट्रायंगल कौन सी, ए बी डी कॉन्ग्रुएंट्स होगी ए सी डी। जब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट्स है बेटा, तो इसकी हर एक साइड इक्वल होगी। देन जो साइड है कौन सी, ए बी किसके इक्वल होगा, ए सी के। तो दस वी कैन शो दैट क्या शो कर दिया कि ए बी सी इज आइसोस्केलेस ट्रायंगल विद साइड ए बी इज इक्वल टू ए सी, यही हमें शो करके दिखाना था। ओके बेटा, उम्मीद करूंगा ये आपको बढ़िया तरीके से समझ आया है। फिर भी बेटा कोई भी तरह की प्रॉब्लम हो बता देना। तो ये एग्जाम्पल नंबर 4 है, और इसी तरीके से बेटा आप अपनी फेयर कॉपी में वर्क करते रहोगे। पहले एक्सरसाइज कंप्लीट करो, एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद एग्जाम्पल कंप्लीट करो, ठीक है बेटा। और कोई भी क्वेश्चन अगर आपको समझ ना आए तो आप कमेंट कर देना बेटा। इसके बाद बढ़ते हैं एग्जाम्पल 5 की तरफ। पहले देखता हूं फिगर इसका दे रखा है क्या, एग्जाम्पल 5 फिगर दे रखा है बेटा।
ओके, ये और ये शायद इक्वल होगी, दो साइड है, बाकी पढ़ेंगे तभी पता चलेगा। कहता है ई एंड एफ आर रिस्पेक्टली द मिड पॉइंट ऑफ इक्वल साइड ए बी एंड ए सी। जो ई और एफ है वो ए बी और ए सी इक्वल साइड है, उनके मिड पॉइंट है। तो गिवन आपको एक तो ये हो गया कि जो ए बी इक्वल ए सी है और ई एंड एफ आर मिड पॉइंट, ये दोनों कौन है बेटा, मिड पॉइंट है। इसके बाद आपको शो करके आ करके दिखाना है, शो करके दिखाना है बी एफ इज इक्वल टू सी ई, बी एफ इज इक्वल टू सी ई, बी एफ ये रहा सी ई, ये इक्वल शो करके दिखाना है, सी ई ये रहा बी एफ ये रहा, आपको इक्वल शो करके दिखाना है। तो मैं इन ट्रेंगल ए बी एफ एंड ट्रेंगल ए सी ई में आ जाता हूं बेटा। एक तो ए बी एफ ये ट्रेंगल हो गई, ए सी एफ ई ये ट्रेंगल हो गई, ओके बेटा। एक तो इसमें ए बी और ए सी इक्वल है, ये तो गिवन है, ए बी इक्वल होगा ए सी, ये कौन है बेटा, गिवन है। एक आप बताओ, जब ई और एफ मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है, तो ये जितना होगा इतना ये होगा, इसी तरह ये जितना होगा उतना ये होगा, तो दोनों आपस में इक्वल हो गया, ए ई इक्वल टू ए एफ। कारण क्या दोगे, ई एंड एफ आर मिड पॉइंट ऑफ इक्वल साइड ए बी एंड ए सी, ठीक है बेटा, ये दो इक्वल साइड इनकी मिड पॉइंट है। एक ध्यान से देखो, जो ए एंगल है वो दोनों तरफ ही आ रहा है, जो एंगल ए है वो इधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है, कॉमन एंगल, ओके बेटा। तो यहाँ एक साइड, एक नहीं दो साइड आ गई है, और एक उनके बीच में बनने वाला एंगल है। तो अकॉर्डिंग टू कॉन्ग्रेंसी एस ए एस, ठीक है बेटा, तो ट्रेंगल आपकी कौन सी, ए कौन सी ट्रेंगल में आए थे, ए बी एफ कॉन्ग्रेंस होगा ट्रेंगल ए सी एफ ई के, ओके बेटा, ये ट्रेंगल इस ट्रेंगल के कॉन्ग्रेंस होगा। तो अब आप बताओ, जब ये ट्रेंगल इसके कॉन्ग्रेंस है, तो बी एफ और जो सी ई है वो भी आपस में इक्वल होगा, देन बी एफ इज इक्वल टू सी ई, ये आपका आंसर होगा, ओके, यही हमें प्रूव करके दिखाना था। तो ये एग्जांपल नंबर 5 है बेटा, उम्मीद करूंगा बढ़िया आपको समझ आया है। इसमें जो भी बातें आई है बेटा, सारी आपको पहले से पता है, नया इसमें से कुछ भी नहीं आपा ने किया। और बेटा सारी चीजें आपको जो फेल कॉपी में जिस हिसाब से बताई गई है उसी हिसाब से आपको करनी है, पहले एक्सरसाइज करो फिर एग्जांपल करो, ओके बेटा। अब आगे नंबर है 6, अब इसमें क्या गिवन है क्या इक्वल है वो बताता हूं आपको। इन आइसोस्केलेस ट्रेंगल ए बी सी विद ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो ये गिवन हो गया क्या है बेटा, जो ए बी है वो ए सी के बराबर है। डी एंड ई आर पॉइंट ऑन बी सी सच दैट, डी और ई कोई इस तरह के पॉइंट है, बी ई मतलब बी ई एरा इक्वल है डी सी, ये सी डी ये आपस में इक्वल है। शो करके दिखाना क्या है आपको, AD इज इक्वल टू AE, AD इज इक्वल टू AE, ये इक्वल शो करके दिखाना है, AD AE ये आपस में इक्वल शो करना है। तो मैं इस ट्रेंगल और इस ट्रेंगल में आ जाता हूं, इन ट्रेंगल ABD एंड ट्रेंगल ACE में आ जाता हूं। एक तो देखो इसमें ए बी ए सी की इक्वल है, ये गिवन है,
ये तो गिवन ही है। ठीक है बेटा, और क्या खास बात है इसमें? एक खास बात ये होगी कि ए बी सी में ये दोनों अगर साइड इक्वल, अगर अपन ट्रेंगल ए बी सी की बात करें, ए बी सी में ए बी और ए सी की इक्वल है, तो ये एंगल इस एंगल की इक्वल होगा, तो ये एंगल है वो इस ट्रेंगल में आ रहा है और ये इसमें आ रहा है, तो एंगल जो ए बी डी है वो इक्वल होगा ए सी ई के, इक्वल एंगल। ओके बेटा, अब रही बात, एटलीस्ट तीन चीजें होनी चाहिए। अब ये जो दे रखा है इसको भी दुकान में लेना है। आपको गिवन है, क्या गिवन है? जो बीई है इक्वल टू सी डी है, बीई ये रहा। आप बताओ इस बीई को मैं बी डी प्लस डीई लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकता हूं। और सी डी को मैं डीई प्लस ई सी लिख सकता हूं बेटा, डीई प्लस ई सी। प्लस का डीई इधर आके किसका हो गया बेटा? माइनस का डीई इज इक्वल टू ई सी या सीई, ये इससे कट हो गया, तो बी डी बराबर क्या आ गया? सीई। तो बी डी ये रहा बेटा और सीई मतलब इस ट्रेंगल में ये और ये भी इक्वल है। तो देखो एक साइड ये रही, एक साइड ये रही, एक एंगल ये रहा, तो अकॉर्डिंग टू कॉन्ग्रेंसी एस ए एस। ठीक है बेटा, आपकी जो ट्रेंगल है कौन सी? ए बी डी कॉन्ग्रेंट्स होगी ट्रेंगल ए सी ई के। ओके, तो ये कॉन्ग्रेंट्स होगी तो ए डी ए के अपने आप इक्वल हो जाएगा, देन ए डी इज इक्वल टू ए ए। क्या हमें ये शो करके दिखाना बेटा? ओके, समझ आया? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, तो ये एग्जाम्पल नंबर है, सॉरी क्वेश्चन नंबर नहीं, एग्जाम्पल नंबर 6 है बेटा। तो उम्मीद करूंगा कि ये बढ़िया से समझ आया है आपको, और ये एग्जाम्पल नंबर 6 लास्ट एग्जाम्पल है बेटा एक्सरसाइज 7.2 का। तो आप एक बार आज यहां तक ही कर लें, जो राइट करने वाला वर्क है वो बेटा ये तीन ही एग्जाम्पल आपको, एग्जाम्पल नंबर 4, 5 और 6। ओके बेटा, उम्मीद करूंगा ये चीज आपको बढ़िया से बढ़िया समझ आ रही है, और इसी तरीके से बेटा इस वर्क को करते रहेंगे। साथ में आपको रिवीजन वर्क भी आपका चल रहा है, तो जो आपका रिवाइज करने वाला वर्क है कल अपन 1.5 के कुछ एग्जांपल दिए थे, तो आपको 15 तक एग्जांपल मैं दे चुका हूं, याद आया। अभी जो आपको करना है वो एग्जांपल नंबर, आज जो रिवाइज करने वाला वर्क है बेटा वो थोड़ा ज्यादा रहेगा, ज्यादा तो नहीं है वैसे, 5 क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 16 के 4 पार्ट है, हालांकि छोटे छोटे ही हैं। एग्जाम्पल नंबर 16, 17, 18, 19 और 20, क्योंकि ये वर्क करते ही हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि 1.6 के अपन एग्जाम्पल पहले ही कर चुके हैं। तो आज मेरे को थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि आपको जो रिटर्न करने का वर्क है वो थोड़ा सा कम है, एक क्वेश्चन नॉर्मली अपन 4 क्वेश्चन करते हैं, आज आपको 3 दिए हैं, तो उधर से थोड़ा सा वर्क कम है। तो आज रिवाइज करने के लिए नॉर्मल अपन 3 क्वेश्चन करते हैं, 4 कर लेते हैं कई बार, तो इधर आज मैं आपको 5 क्वेश्चन दे रहा हूँ। ओके बेटा, तो आज रिवाइज करने में 5 क्वेश्चन है, कौन कौन से वो भी एग्जाम्पल है, चैप्टर नंबर पहले के, एक के एग्जाम्पल नंबर 16, 17, 18, 19, 20, और ये करते ही बेटा हमारा चैप्टर नंबर 1 भी रिवाइज हो गया है। तो रिवाइज करने का वर्क बता दिया और राइट करने के ये 3 एग्जाम्पल है एक्सरसाइज 7.2 के, एग्जाम्पल नंबर 3, सॉरी 4, 5, 6। ओके बेटा, और जो बताया है बेटा उस हिसाब से वर्क करते रहिए। ओके, थैंक यू, और अगर चैनल को अब भी बेटा सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।